हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज IIPS के 2020 के BPEd के रिटर्न एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करेंगे। DU का जो BPEd का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो का पार्ट 4 है और इससे पहले इसके 3 पार्ट और आ चुके हैं जिनमें हमने स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम आगे के 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन 80 तक, और बाकी जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस होंगे वो इससे अगले पार्ट में आप देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी पार्ट होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद चार ऑप्शन बोलूंगा, और जिस बीच में चार ऑप्शन बोल रहा हूँ उस बीच आपको मन में ही गैस कर लेना है कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इससे दोस्तों आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 61। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग इज प्राइमरली यूज्ड टू डेवलप। क्वेश्चन में पूछा गया है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग जो होती है वो क्या चीज डेवलप करने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शंस हैं पावर, स्पीड, एंड्योरेंस या एजिलिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पावर। प्लायोमेट्रिक टेक्निक जो है वो पावर को डेवलप करने के लिए यूज की जाती है। पावर क्या है? हमारी स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का कॉम्पोनेंट है जो कि हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। ह्यूमेरस बोन इज लोकेटेड एट। क्वेश्चन पूछा गया है ह्यूमेरस बोन कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं स्पाइन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब या स्कल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपर लिम्ब। ह्यूमेरस बोन जो होती है वो अपर लिम्ब में लोकेटेड होती है। अपर लिम्ब का मतलब है हमारे हाथों में, हमारा जो पूरा हाथ होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक आर्म और एक फोर आर्म। तो जो आर्म वाला पार्ट है उसकी जो बोन होती है उसे हम ह्यूमेरस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है बाइल जूस को कौन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शंस हैं लंग, लीवर, हार्ट या किडनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीवर। लीवर जो है वो ही बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है। ऑप्शंस हैं हार्ट, लंग्स, किडनी या स्किन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्ट। हार्ट जो है दोस्तों वो एक्सक्रेटरी सिस्टम का ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन का क्या नाम है। ऑप्शंस हैं अल्ना, टिबिया, ह्यूमरस या फीमर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फीमर। फीमर जो है दोस्तों वो लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये जो हमारा थाई वाला पार्ट होता है लेग के अंदर, उसमें जो बोन होती है उसे हम ह्यूमेरस बोलते हैं। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द लेन शेल बी। क्वेश्चन में पूछा गया है जो एथलेटिक ट्रैक होता है स्टैंडर्ड ट्रैक, उसकी जो लेन होती है मतलब दो लाइन के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1.22 मीटर्स। 1.22 मीटर्स की विड्थ होती है एक लेन की, जो कि स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। स्टार्टिंग ब्लॉक्स शैल बी यूज्ड इन ऑल द फॉलोइंग रेसेस इन एथलेटिक्स एक्सेप्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्टार्टिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि रेस में यूज किए जाते हैं, वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी रेस में यूज नहीं किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं 400 मीटर, फर्स्ट लेग ऑफ मेडले रेस, 800 मीटर या 400 मीटर हर्डल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 800 मीटर। 800 मीटर की जो रेस होती है उसमें स्टार्टिंग ब्लॉक्स यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। वार्मिंग अप रिजल्ट्स इन टू। क्वेश्चन पूछा गया है वार्मिंग अप करने से क्या होता है। ऑप्शंस हैं इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम, इंक्रीज इन बॉडी एंड मसल टेम्परेचर, डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर या इम्प्रूव स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज इन बॉडी एंड मसल टेम्परेचर। वार्म अप करने से क्या होता है? हमारे बॉडी और मसल का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन इन। क्वेश्चन पूछा गया है हेपेटाइटिस जो डिजीज है वो कौन से ऑर्गन में इन्फेक्शन की वजह से होती है। ऑप्शन हैं लीवर, किडनी, स्टमक या हार्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लीवर। लीवर में इन्फेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। द 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इज। क्वेश्चन पूछा गया है प्रेजेंट में 100 मीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसके नाम है। अब इसका आंसर सभी को पता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट का इस समय 100 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कितना टाइमिंग है उनका? 9.58 सेकंड्स टाइम है उसेन बोल्ट का। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। प्राण इन योगा मीन्स, योगा में प्राण का क्या मतलब है? ऑप्शन है यूनियन ऑफ माइंड एंड बॉडी, ड्यूएलिटी इन बैलेंस, लाइफ फोर्स एनर्जी दैट मूव्स ऑल अर्थली थिंग्स, या भक्ति योग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लाइफ फोर्स एनर्जी दैट मूव्स ऑल अर्थली थिंग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी में कॉज, क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन है बेरी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, अनीमिया या स्कर्वी। अब दोस्तों जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन सी दिया हुआ है, एनीमिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए, स्कर्वी, क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है हमें, ना कि एनीमिया। दोस्तों आपको इसका सही आंसर क्या लगता है कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। जो आंसर मुझे सही लग रहा था वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। साइकोलॉजी मीन्स, क्वेश्चन पूछा गया है साइकोलॉजी का क्या मतलब है? ऑप्शन है स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन या स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बिहेवियर, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। लिब्रो टर्म इज एसोसिएटेड विद अ गेम ऑफ, क्वेश्चन पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से वो कौन सा गेम है जिसमें लिब्रो टर्म यूज किया जाता है? ऑप्शन है बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस या वॉलीबॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के अंदर लिब्रो टर्म का यूज किया जाता है, तो जिन लोगों को वॉलीबॉल के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है लिब्रो के बारे में वो जानते होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। हु हैज वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ बैडमिंटन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। क्वेश्चन में पूछा गया है 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन टाइटल किसने जीता था? ऑप्शन है पीवी सिंधु, के गिलमोर, मिशेल लई या साइना नेहवाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने वुमेन सिंगल्स का बैडमिंटन टाइटल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्वेश्चन पूछा गया है हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसमें सारी चीज़ें आती हैं नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सिवाय एक ऑप्शन के जो कि गलत है, वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है ग्रेटिट्यूड, 10,000 स्टेप्स अ डे, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंगर या इनटेक ऑफ अल्कोहल। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की जो ऑफिशियल आंसर की दी हुई है वो दी हुई है ऑप्शन बी, 10,000 स्टेप्स अ डे। एक दिन में अगर आप 10,000 कदम चलते हैं तो वो आपकी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी है, लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होना चाहिए, इनटेक ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो कंजप्शन हम करते हैं वो लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी मुझे लग रहा है कि कमी है, क्योंकि 10,000 स्टेप्स अ डे तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा है और क्वेश्चन में यही पूछा गया है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तीन ऑप्शन सही हैं, एक गलत है, तो 10,000 स्टेप्स अ डे तो सही है, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंगर भी सही है, ग्रेटिट्यूड भी सही है, बाकी जो इंटेक ऑफ अल्कोहल है ये गलत है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है कॉमेंट्स में लिखकर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर इन मैन ड्राइविंग डिसिप्लिन इन 2020 ओलंपिक्स, क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के ओलंपिक्स में जो मेंस ड्राइविंग है उसमें कितने इवेंट्स हैं? ऑप्शन है 2, 4, 5 या 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। द फेज ऑफ सुपर कॉम्पनसेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज इंडिकेटेड एज, क्वेश्चन में पूछा गया है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जो सुपर कॉम्पनसेशन का फेज होता है वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन है ओवर परफॉर्मेंस लेवल, इनिशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, नो चेंज इन परफॉर्मेंस लेवल या न्यू परफॉर्मेंस लेवल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ओवर परफॉर्मेंस लेवल। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते समय जब हम सुपर कॉम्पनसेशन के फेज में पहुंचते हैं तो वो ये इंडिकेट करता है कि हम ओवर परफॉर्मेंस लेवल पर पहुंच गए हैं, मतलब उससे ज्यादा हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। द साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव थियोरी वॉज डेवलप्ड बाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। द साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव थियोरी वॉज डेवलप्ड बाई, क्वेश्चन में पूछा गया है जो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव थियोरी है वो किसने डेवलप की? ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉयड, एल्बर्ट बेंडूरा, कार्ल रॉजर्स या वेले। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव थियोरी को डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वन आरएम टेस्ट हेल्प्स टू असेस द, क्वेश्चन पूछा गया है जो वन आरएम टेस्ट होता है वो क्या असेस करने के काम आता है? वन आरएम का क्या मतलब है? वन आरएम का मतलब है वन रिपीटेशन मैक्सिमम,
मतलब एक इंडिविजुअल एक रेपिटेशन में मैक्सिमम कितना वेट लिफ्ट कर सकता है। यहाँ पर मैं वेट लिफ्टिंग से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आरएम अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो 1 RM टेस्ट होता है वो क्या एसेस करने के काम आता है। ऑप्शन है सस्टेनिंग स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ या कोर स्ट्रेंथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ करने को एसेस करने के काम आता है हमारा 1 RM टेस्ट, जो कि आमतौर से आपने जिम वगैरह में देखा होगा, जब बिगिनर्स जाते हैं तो उनका 1 RM टेस्ट किया जाता है, अगर किसी अच्छे जिम की बात की जाए तो। तो दोस्तों टोटल 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, रिमेनिंग 20 क्वेश्चन हम आने वाले 5th पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा जो इसके पहले के 3 पार्ट्स हैं इस वीडियो के वो भी आप देखिए, उन तीनों पार्ट्स में 20-20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे हैं, इस पार्ट में भी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें भी 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और 2018-19 सेशन का पेपर भी मैंने सॉल्व कर रखा है, उस वीडियो के भी 2 पार्ट हैं, वो भी आप देखिए, वो भी काफी हेल्पफुल होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चैनल के अंदर विजिट करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर रिटन एंट्रेंस पेपर, जिसका आई बटन पर आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।